This is the future. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज मैं और मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं बांसग्राम। तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो आपको भी देख के मजा आएगा। मैं तो कभी घूमने के लिए नहीं गया हूँ बांसग्राम, लेकिन आज मेरे दोस्तों और मैंने प्लान किया है कि बांसग्राम घूमने जाएंगे। तो आप लोगों को भी मैं पूरा बांसग्राम दिखाने वाला हूँ घूम के। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ दोस्तों। और आज तो संडे का दिन है दोस्तों, तो रोड भी बहुत खाली खाली लग रहे हैं, ऐसी ज्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं है। और ये देख पा रहे हैं दोस्तों आप, हम पहुंच गए हैं मोहनपुर बाजार। तो ये है मोहनपुर का SBI और उसके पहले था ग्रामीण बैंक। और ये देखिए मोहनपुर का साइन बोर्ड, यहाँ पर मंदिर बंदा शायद दिवाली के लिए हुए है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों आपके लिए एक दिवाली का भी वीडियो लाऊं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों तरफ धान के खेत है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में। राइट साइड में ही मजा मारा है अभी, और हम जाएंगे सीधे सिमला की तरफ। यहाँ से रोड बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। उस तरफ जो है वो बांग्लादेश है, इस तरफ पूरा इंडिया है। और इसी के पास में ये यहाँ पर चाय के बगान है। यहाँ पर ये देखिए, आज कोई इवेंट है, मैच है, गेम है, या इसी के लिए इतने लोग यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पे गेम भी है और शायद के बारे औहदे के मंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं बांसग्राम। और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो एक ये छोटा रास्ता आएगा, वहाँ से सीधे चलने पर ही 200 मीटर में बांसग्राम आता है। और ये देखिए, यहाँ से अंदर जाते ही दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये पूरा एरिया चाय के बगानों से भरा पड़ा है। और यहाँ पर देखिए सामने ही एक खूबसूरत सा ये झील है, और इसके दूसरी तरफ भी और एक झील है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सामने, देखते हैं हमको देखने को और क्या क्या मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार और बाइक्स के लिए पार्किंग की जगह भी है अच्छी। देखिए दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं बांसग्राम के अंदर। तो ये अभी मैं पूरा आपको घुमा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है, तो वहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाद में जाएंगे, अभी पूरा पार्क हम घूम के देखते हैं कि हमको देखने को क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्ले ग्राउंड है। और यहाँ पे
स्लाइडिंग्स भी बनाए गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फूल के ऐसे फूल के बहुत पौधे भी हैं। यहाँ पे जा सकते हो, ये बच्चों के खेलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है दोस्तों। यहाँ पर आप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही मज़ा कर सकते हैं आप, क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर आप मतलब खेल सकेंगे बच्चों के साथ, और वो टाइम आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आप यहाँ पर बैठ के आराम से चिल मार सकते हैं। और ये देखिए कि दोस्तों कितना खूबसूरत खूबसूरत फूल है यहाँ पर, ये देखिए ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। और ये जो बैठने की जगह है वो भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैठने की जगह है और ये टेबल दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए, तो चलते हैं, चलिए। और ये देखिए यहाँ पे झूला भी बनाया गया है, अरे बच्चे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी बनाए गए हैं। ये देखिए ये पूरा ब्रिज बांस का बनाया गया है, तो इसमें चलने में मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे घर भी बनाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये मैं आपको पूरा एक बार पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया है जलकुंज। तो ये देखिए पूरा बांस का बना हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं, ये देखिए, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी दी गई है, ये देखिए। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो हमने पार्क देखा है अभी, तो अच्छा ही लगा हमको सब कुछ, यहाँ पर बहुत शांति भी है। तो आप अगरतला से ये शायद अराउंड मैंने देखा नहीं होगा 30-40 किलोमीटर ही होगा अगरतला मेन सिटी से यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आराम से आके घूम सकते हो। अभी तो मैं पूरा घूमने वाला हूँ इसके अंदर जाके, लेकिन चलिए देखते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलता है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। और यहाँ पर बुद्ध जी की एक मूर्ति भी बनाया गया है। तो चलिए ये घूम के देखते हैं पूरा। ये देखिए, आप मुझे बताना कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आ रहा है।
यहाँ पर देखिए और एक झील है, और शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपके लिए जूम करता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी शाम का वक्त है और कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए, आराम करने के लिए बहुत सारे जगह भी दी गए हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से मज़ा ले सकते हैं। ये देखें, तो सब मेरे सामने जो नज़र आया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, यहाँ पर ऐसा कुछ बना गया है। तो देखते हैं सामने और क्या क्या मिलता है हमको। ये देखें, हम जहाँ जहाँ से चल रहे हैं ये झील भी हमारे साथ साथ ही चल रही है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फूल भी है छोटे छोटे, तो देखिए। और ये जो झील के ऊपर यहाँ पर पूरी जगह पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह पे सिर्फ चाय के खेती है। दोस्तों हम घूमते घूमते अच्छी खासी जगह हमने कवर कर लिया है, तो चलते हैं अभी। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको घूमने में ये पार्क देखने में कैसा लगा। और अगर आपको मज़ा आता है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है, उससे मुझे बहुत ही खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ पाऊँगा ऐसे। देखिए हमारे लेफ्ट साइड में अभी हम कैफेटेरिया में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। देखिए वहाँ पर बैठने की जगह भी है ऐसे छोटे छोटे, जहाँ पर आप बैठ के आराम से चिल मार सकते हैं। यहाँ पर भी एक बैठने की जगह है। देखिए यहाँ पर कितनी शांति है, देखिए यहाँ पर। और ये जगह बहुत ही अच्छे तरीके से वेल्ड मेंटेन्ड है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ भैया लोग थे, तो उनको मैंने मेरा जो यहाँ पर एंट्री पास होता है वो मैंने दे दिया उनको। तो देने के बाद मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी के 10-15 मिनट बाद मुझे यहाँ पर चाय और बिस्किट और पानी दे दिया है उन्होंने। तो जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर वीडियो एंड करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा पार्क घुमा के दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पार्क घूमने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप मुझे पूरा डिटेल में बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।